गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम 14 चैप्टर फिजिक्स 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें इस वीडियो में स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे। तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, है ना, यहाँ तक कि थ्योरी बेस्ड जो नीट JEE वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इससे कंटेन हो जाएंगे, है ना। तो लगभग 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के अभी हम इसमें बताएंगे। स्टार्ट से लास्ट तक आप देखेंगे तो उससे जो आने वाले क्वेश्चन आप लोगों से कभी मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो चैप्टर 14 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना। अब हम ऑप्शन देख करके नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आंसर के साथ लिखते चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन वो आपसे फिल इन दी ब्लैंक में भी पूछ सकता है, मैच दी कॉलम में भी पूछ सकता है, MCQ में पूछ सकता है, आंसर इन वन वर्ड में पूछ सकता है, लेकिन हम लिखने के लिए सब एक तरीके से लिखते चले जाएंगे। और क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन कैसे बनाया रहेगा वो आप समझ जाओगे। अब ये नहीं कि हम आप मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन चॉइस दे दे करके बताएं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिखते जाते हैं। तो चैप्टर 14 का है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर वाले से, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर। तो इसमें से कम 40 क्वेश्चन हम बताएंगे कम से कम, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसमें चालक विद्युत रोधी अर्धचालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें स्टार्ट में हम चालक से शुरुआत करते हैं, चालक। तो चालक जो होते हैं, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। चालक चालक की चालकता बहुत अधिक तथा प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। एक ये भी बात हो गई, चालकों के लिए वर्जित अंतराल का मान शून्य होता है। क्या होता है, एक चालन बैंड होता है, एक संयोजी बैंड, और चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच का अंतर जो होता है वर्जित अंतराल, EG बराबर इसमें क्या होता है 0। ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चालकों के लिए ऊर्जा अंतराल वर्जित अंतराल एक है, ठीक है ना। चालकों के लिए ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है, ठीक। इनका चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक
होता है, ठीक है ना। चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक, ठीक है ना। इसके बाद आता है विद्युत रोधी, विद्युत रोधी में, विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। मुक्त विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। विद्युत रोधी को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? कुचालक, ठीक है ना। और ये बता दें इसकी चालकता यानी विद्युत रोधी की चालकता बहुत कम तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। ये विद्युत रोधी के लिए वर्जित अंतराल का मान ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ईजी जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। विद्युत रोधी के लिए वर्जित अंतराल का मान कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। और यहाँ हीरा के लिए बल्कि दिया है, हीरा के लिए ईजी का मान जो होता है सबसे ज़्यादा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। इसमें विद्युत रोधी का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता चरघातांकी रूप से घटता है। विद्युत रोधी का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता जो है चरघातांकी रूप से घटता है, मतलब पहले धीरे धीरे घटता है फिर कुछ तेजी से घटता है, है ना। ये किसी में ये बल्कि लिखा ही ना होगा कि इसमें कह देते कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, है ना। पर वास्तव में विद्युत रोधी का ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोधकता है वो चरघातांकी रूप से घटता है, ठीक है ना। और तो ऐसे में ये कह सकते हो कि इसका ताप प्रतिरोध गुणांक क्या होगा? फिर ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। ये फिर आ जाता है अर्धचालक, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न बहुत अधिक और न ही बहुत कम होती है। न बहुत अधिक न बहुत कम, अर्धचालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न बहुत अधिक न बहुत कम होती है, ठीक है ना। अर्धचालक की चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है,
इसकी चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच होती है, मतलब ये कम ताप पर विद्युत रोधी की तरह कार्य करेंगे, उच्च ताप चालक की तरह कार्य करेंगे, इसलिए अर्धचालक। अर्धचालक में दोनों गुण पाया जाता है, कम ताप पर विद्युत रोधी और अधिक ताप पर चालक। ठीक, अर्धचालक के लिए वर्जित अंतराल, वर्जित अंतराल या ऊर्जा अंतराल, लगभग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, लगभग एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसके उदाहरण में ये जर्मेनियम के लिए, बल्कि ये बता दें जर्मेनियम के लिए Eg बराबर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए Eg बराबर 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा, यदि विशेष रूप से ध्यान देना, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, अर्धचालक के लिए वर्जित अंतराल का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्धचालक के लिए यदि आता है वर्जित अंतराल का मान तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यदि यही लिख दिया जर्मेनियम के लिए वर्जित अंतराल का मान तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए बोल दिया तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इन्हीं को यदि जूल में लिखना चाहे तो आप 1.6 × 10⁻¹⁹ का गुणा करके आप लिख सकते हो कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है ना, ऐसा भी है तो याद रखना। ये रहा, अब इनका जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटता है। अर्धचालकों का ताप प्रतिरोध गुणांक, ताप प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है। ये आपको बता दें, जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, जिसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा तो उनका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होगा, और जिनका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटेगा उनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता। ध्यान रखना, ये थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, जिसको जानना होगा तो थर्ड चैप्टर की वीडियो में देख सकते हैं। अब अर्धचालकों में ये बता दें, अर्धचालक उदाहरण में जर्मेनियम सिलिकॉन है, विद्युत रोधी में क्या होता है, विद्युत रोधी रबर प्लास्टिक सूखी लकड़ी, और चालक में सभी धातु में कोई अपवाद वाली हो उसको छोड़ दीजिए, मानव शरीर भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, पृथ्वी विद्युत का चालक है। ठीक है ना, तो वो उनके उदाहरण में आ रहा था। अब इसके बाद आता है अर्धचालक में, अर्धचालक में जो प्रकार होते हैं वो शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक होता है। शुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में जर्मेनियम सिलिकॉन आता है, अशुद्ध अर्धचालक में एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक आते हैं, है ना। तो यन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनता है, शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले परमाणु को शुद्धि मिलाने से यन प्रकार का अर्धचालक बनता है, और शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाले परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो लिखे दे रहे हैं, शुद्ध अर्धचालक में
पांच संयोजकता वाले परमाणु की अशुद्धि मिलाने पर यन प्रकार का अर्धचालक बनता है। शुद्ध अर्धचालक पांच संयोजकता वाले परमाणु की सिद्धि मिलाने पर यन प्रकार का अर्धचालक बनता है। यन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश वाहक इनको चाहे तो लिखा जा सकता है धारा वाहक। यन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसी को आप बहुसंख्यक आवेश वाहक भी बोल सकते हैं। और ये भी लिख दो, यन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। होल को वीवर भी बोलते हैं, वीवर। ठीक, यन प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आवेश वाहक माने बहुसंख्यक आवेश वाहक, और यन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। ठीक है ना। और ये भी बता दें, चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है। अर्थात ये Ne बहुत ज्यादा होता है किससे, NH से। ठीक है ना। यन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व से अधिक होता है, और यन प्रकार के अर्धचालक में दाता आयनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। एन प्रकार के अर्धचालक में दाता आयनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, होती है जो भी। अर्थात दाता आयन की संख्या एनडी बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या एनई। ये दाता आयनों की संख्या, ये ठीक है ना, 20 नंबर। अब जैसे शुद्ध अर्धचालक में पांच संयोजकता वाले परमाणु को सिद्धि मिलाने से यन बना है, तो तीन मिलाने से पी बनेगा। इसमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है तो होल होंगे, और अल्पसंख्यक इसमें आप होल हैं तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो होल घनत्व से अधिक है, तो इसमें होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होंगे, और इसमें ग्राही आयनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होगी। हैं, ये ठो याद कर लोगे तो दूसरा अपने आप बनेगा। थोड़ा सा चेंज करना है, लिखे दे रहे हैं, है ना, देखना। शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजी परमाणु की अशुद्धि
मिलाने पर पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। ठीक, पी प्रकार के अर्धचालक में, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक धारावाहक होल होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पी प्रकार के अर्धचालक में होल घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व से अधिक होता है, अर्थात ये आए बोल रहे हैं NH बहुत ज्यादा होता है NE से। ठीक, और पी प्रकार के अर्धचालक में ग्राही आयनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होता है, अर्थात NA बराबर NH। NA ग्राही आयन एक्सेप्टर आयन, NH होलों की संख्या। ठीक है ना, ये और यदि शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व होल घनत्व के बराबर होता है, अर्थात NE बराबर NH। शुद्ध अर्धचालक यदि है तो उसमें NE और NH बराबर होते हैं। शुद्ध अर्धचालक में NE और NH क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शुद्ध अर्धचालक के लिए NE और NH का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, ये यानी ये आपने देखा शुद्ध अर्धचालक में NE बराबर NH, N प्रकार में क्या होता है, NE बहुत ज्यादा होता है NH से,
तो यानी ई बटे एन एच ग्रेटर देन होगा वन, और पी प्रकार में क्या होता है, पी प्रकार में एन एच ज़्यादा होता है किससे, यानी ई से, तो एन एच अपान यानी ई जो है वो ज़्यादा होगा एक से, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर आता है पीएन संधि डायोड का संकेत, ये पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई या चौड़ाई 10^-6 मीटर या 10^-3 मिलीमीटर या 1 माइक्रोमीटर, ठीक। प्राचीर विभव का मान पीएन संधि डायोड में प्राचीर विभव का मान 0.5 वोल्ट, ये प्राचीर विभव पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में प्राचीर विभव का मान इतना होता है, लेकिन जर्मेनियम के लिए इसी को लिखा जाएगा तो प्राचीर विभव वीवी का जो मान होता है 0.3 वोल्ट, और ये सिलिकॉन के लिए तो वीवी बराबर 0.7 वोल्ट। ध्यान दीजिए, जैसे कोई पीएन संधि डायोड है, पीएन संधि डायोड पी और एन से बना है, और यदि वो पी और एन जर्मेनियम से बना है तो प्राचीर विभव इतना होगा, अवरोधी विभव भी इसको बोलते हैं, और यदि सिलिकॉन से बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड है तो उसके लिए ये होगा, और यदि जर्मेनियम सिलिकॉन नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है क्या पीएन संधि डायोड में प्राचीर विभव का मान, तो 0.5 वोल्ट, ठीक है ना। पीएन संधि डायोड के लिए प्राचीर विभव का मान 0.5, जर्मेनियम से बने हुए पीएन संधि डायोड के लिए 0.3, सिलिकॉन से बने हुए के लिए 0.7, ध्यान रखना, ठीक है ना। अग्र अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है और पश्च अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती है। ध्यान रखना, यदि ये पूछ दिया गया कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई, तो आप ये लिखोगे, इसको विशेष रूप से ध्यान देना, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई तो 10^-6 मीटर, लेकिन यदि अग्र अभिनत में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की चौड़ाई तो घटती है लिखना पड़ेगा। मान लो खाली स्थान में आ गया कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई तो 10^-6, और यदि अग्र अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई तो घटती है, और पश्च अभिनत में अवक्षय परत की चौड़ाई तो बढ़ती है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात को, अग्र अभिनत में अवक्षय
ये प्राचीर विभव का मान बढ़ इसमें एक में प्लस में लेते हैं, माइनस में, एक में प्लस में, प्रतिरोध भी बढ़ता घटता है। तो इसकी जब कार्यविधि आप लोग पीएन संजाट के पढ़ते तो उसमें बहुत कुछ क्वेश्चन और भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। ये 34 प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र दिष्टकारी कहलाता है। दिष्टकारी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अलग से वीडियो बना, उसको देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। बदलने वाला जो यंत्र होता है वो दिष्टकारी कहलाता है। यंत्र जो है दिष्टकारी कहलाता है, बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, दिष्टकरण। ध्यान रखना। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा बदलने वाला यंत्र दिष्टकारी और बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी में गेट भी है, तथा नॉट गेटों को मूल गेट कहते हैं। नॉर तथा नैंड गेट को सर्वात्रिक गेट कहते हैं। नॉट गेट को व्युत्क्रम गेट कहते हैं। आर गेट का बूलियन समीकरण y इक्वल टू ए प्लस बी तथा संकेत ये एंड गेट का बूलियन समीकरण y इक्वल टू ए इंटू बी तथा संकेत ए बी y इक्वल टू ए इंटू बी। नॉट गेट का
बूलियन समीकरण y इक्वल टू ए नॉट और संकेत इसका ये नॉर गेट y इक्वल टू ए प्लस बी का ये और संकेत इसका ए बी y इक्वल टू ए प्लस बी का नॉट और नैंड गेट इसका बूलियन समीकरण y इक्वल टू ए इंटू बी नॉट और जे ठीक जीरो एक द्विआधारी संख्याएं हैं जीरो एक क्या है द्विआधारी संख्याएं हैं जिन्हें बिट्स कहते हैं चार बिट का समूह निबल कहलाता है यानी चार बिट बराबर एक निबल आठ बिट का समूह बाइट कहलाता है यानी आठ बिट बराबर एक बाइट ठीक ये ध्यान रखना द्विआधारी संख्या में वन प्लस वन बराबर वन होता है द्विआधारी संख्या में वन प्लस वन बराबर वन ठीक है द्विआधारी संख्या में वन प्लस वन बराबर वन द्विआधारी संख्या का आधार दो होता है दशमिक संख्या का आधार दस होता है जैसे मान लीजिए कोई द्विआधारी संख्या लिखा है वन वन जीरो जीरो वन वन तो ये ऐसे लिखा रहता है ये आधार है ना अब 25 यहाँ लिखा है ये दशमिक संख्या तो यहाँ 10 लिखा रहेगा ये द्विआधारी तो यहाँ 2 ठीक है ना ऐसे आप बता रहे हैं ठीक है ना तो इस प्रकार से इसमें इस चैप्टर में इतने ऑब्जेक्टिव आप लोग तैयार किए रहेंगे
तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आप लोगों के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कंटेन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो और भी एग्जाम की दृष्टि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।